गृहनगर कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, शक्तिनगर स्थित स्पीकर कैंप कार्यालय में जनसुनवाई। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से बड़ी तादाद में परिवादी जुटे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ओम बिरला की, जो कि जनसुनवाई कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम जन से मिल रहे हैं। गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। शक्तिनगर स्थित स्पीकर कैंप कार्यालय में जनसुनवाई हो रही है और ये जनसुनवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से बड़ी तादाद में परिवादी जुटे हुए हैं क्योंकि अलग अलग समस्याएं लेके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम समस्याओं को सुनते हुए ओम बिरला नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी हाथों हाथ ओम बिरला देते हैं, चाहे किसी भी तरह के परिवादी पहुँचे। ओम बिरला की एक खासियत रही है कि वो उन सभी परिवादियों से, उन सभी लोगों से मिलते हैं और अपने स्थान से उठ के भी, ये तस्वीरें जिसमें वो अपने स्थान से उठे, कुर्सी से उठे और जो लोग बैठे हुए थे ज़मीन पर उनके पास गए, उनसे बातचीत की और तमाम जो परिवादी हैं या जो तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे हैं, निराकरण के लिए पहुँचे हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत करते हुए ओम बिरला नज़र आ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो ज़मीन की समस्या हो, पट्टे को लेकर समस्या हो, बिजली की समस्या हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि आम जीवन में लोगों को होती हैं और वो उम्मीद अपने जन प्रतिनिधि से करते हैं कि वो उनकी बात को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का हल वो देंगे और इसीलिए लगातार लोग पहुँचते भी हैं ओम बिरला से मिलने के लिए, उनसे फरियाद लेकर, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए। और ये तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे हैं जब ओम बिरला उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उन तमाम लोगों की बातें, उन तमाम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। साथ में अधिकारी भी यहाँ होते हैं और वो अधिकारी अगर हाथों हाथ वहाँ पर निराकरण हो सकता है या समस्याओं को जाना जा सकता है और उनका हल हो सकता है तो वहीं पर कर दिया जाता है, वरना उन सभी कागजात को वो लेते हैं और उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और इसको लेकर फीडबैक भी ओम बिरला हमेशा लेते रहे हैं कि जो लोग पहले आए क्या उन लोगों की समस्याएँ हल हो गई, क्या अधिकारियों ने उनको सुना, किसी तरह की समस्या तो नहीं उनको आई। ये तमाम चीज़ें ओम बिरला हमेशा इसका खास ख्याल रखते हैं और क्योंकि कोटा जब भी वो पहुंचते हैं, कोटा में वो जब भी होते हैं, एक दो दिन रुकते हैं, तब भी वो इस तरह जनसुनवाई या लोगों से मिलने का सिलसिला जारी रखते हैं और आज भी उस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। कोटा से ये लाइव तस्वीरें हैं, गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, शक्तिनगर स्थित स्पीकर कैंप कार्यालय में ये जनसुनवाई हो रही है। शक्तिनगर स्थित इस कैंप कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला पहुंचे हुए हैं और ओम बिरला जो इन समस्याओं का निराकरण जो लोग लेकर आए हैं उनको कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कई ऐसे कागजात होते हैं, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हाथों हाथ अगर जनप्रतिनिधि जैसे ओम बिरला हैं वो उनको सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर करके पास कर देते हैं तो वो जल्द से जल्द उनका हल हो जाता है और यही ओम बिरला यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों से भी मिल रहे हैं। कई ऐसे लोग जिनकी समस्याएं ज़मीन को लेकर हैं या अपने मकान को लेकर हैं तो वो उनको अच्छे से ओम बिरला को सुनाते भी हैं और ये उनकी खासियत कि वो ध्यान से उन सभी लोगों की बातें सुनते हैं, परिवादियों को सुनते हैं और उसके बाद उसके निराकरण के बारे में सोचते भी हैं। तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से बड़ी तादाद में परिवादी जुटे हुए हैं, ना सिर्फ कोटा से, बूंदी से, क्योंकि हाड़ौती आंचल जहां लोगों को पता है कि ओम बिरला जब आ रहे हैं और जब उनको पता है कि वो सुनवाई करेंगे तो ऐसे में लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर कोटा और बूंदी उनका संसदीय क्षेत्र, तो ऐसे में वहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू हो जाता है और ये तस्वीरें वही आपको दिखा रहे हैं।